हाय फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी 10,000 एमसीक्यू सीरीज का ये है पार्ट 6। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 251 से क्वेश्चन नंबर 300 तक। ये सोशियोलॉजी का जो 10,000 एमसीक्यू सीरीज है, ये आपको एनटीए यूजीसी नेट सोशियोलॉजी में, एनटीए यूजीसी नेट या सोशियोलॉजी में किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सफिशेंट होगा। आपको श्योर सक्सेस मिल सकती है अगर दो चार बार इसे प्रैक्टिस कर लोगे तो। प्रैक्टिस करते वक्त आप 2x में वीडियो देख सकते हैं, जैसे टाइम को आप सेव कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 251। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन है, रीजन है, इसको हम देखेंगे। असर्शन क्या है? मैन इज द ओनली एनिमल कैपेबल ऑफ रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर। रीजन, मैन हैज ए साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटी टू रिलेट हिमसेल्फ टू वैल्यूज बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ हिज इमीडिएट सराउंडिंग्स विद इन हिज परसेप्चुअल रेंज। ऑप्शन है ऑफ दिस स्टेटमेंट, ऑप्शन है बुथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी, बुथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसका करेक्ट आंसर है बी, बुथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 252। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कम्युनिटी सेंटीमेंट आर ट्रू। कम्युनिटी सेंटीमेंट के रिगार्डिंग इसमें कौन से स्टेटमेंट सब ट्रू है, सही है? वन, इट गिव्स अ क्वालिटी ऑफ सोशल कॉन्फ्रेंस टू द ग्रुप। टू, इट बिकम्स अ परमानेंट बैकग्राउंड ऑफ ग्रुप्स लाइफ। थ्री, इट इज डेवलप्ड बाय सोशलाइजेशन एंड इज इम्प्रेस्ड इन द डेप्थ ऑफ पर्सनालिटी। फोर, वंस ट्रेनिंग इज ओवर कम्युनिटी सेंटीमेंट इज नॉट एन आउटर कंपल्शन बट एन इनर नेसेसिटी। इसका जो सही आंसर है वो है 2 and 3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 2 and 3 क्या है? इट बिकम्स ए परमानेंट बैकग्राउंड ऑफ ग्रुप्स लाइफ, ये सही है। इट इज डेवलप्ड बाई सोशलाइजेशन एंड इम्प्रेस्ड एंड इज इम्प्रेस्ड इन द डेप्थ ऑफ पर्सनैलिटी, ये सही है। बाकी दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 253। हु डिफाइंड रेफरेंस ग्रुप्स आज दूज ग्रुप्स टू हुईज एन इंडिविजुअल रिलेट्स हिमसेल्फ एज ए पार्ट और टू हुईज ही रिलेट्स हिमसेल्फ साइकोलॉजिकली। इसका ऑप्शन है ए, लिंटन, बी, मॉर्टन, सी, टर्नर, डी, सरीफ। इसका करेक्ट आंसर है आरके मॉर्टन। आरके मॉर्टन हैज डिफाइंड रेफरेंस ग्रुप एज दोज ग्रुप्स टू व्हिच एन इंडिविजुअल रिलेट्स हिमसेल्फ एज ए पार्ट और टू व्हिच ही रिलेट्स हिमसेल्फ साइकोलॉजिकली। क्वेश्चन नंबर 254। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सब रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर वाज डेमोंस्ट्रेटेड बाय। The concept of positive and negative reference group behavior was demonstrated by. Options are A. R. K. Morton, B. Sherriff, D. Linton, C. Linton, D. Theodore Newcomb. Iska correct answer hai R. K. Morton. A is the correct answer. Question number 255. Who classified the functions of reference group behavior into normative and evaluative functions? Reference group behavior का function normative और evaluative function में किसने classify किए हैं? A. Ralph Linton, B. Kelly, C. R. K. Morton, D. Heman. इसका correct answer है R. K. Morton. Question number 256. With reference to identification, what does not increase with growth in age? With reference to identification, what does not increase with growth
इन एज आइडेंटिफाई जो करते हैं हम दूसरे से विद रेफरेंस टू आइडेंटिफिकेशन, इसमें ग्रोथ के हिसाब से कौन इंक्रीज नहीं करता है, इसमें व्हाट डज नॉट इंक्रीज विद ग्रोथ इन एज, इसमें क्या ग्रोथ एज के हिसाब से इंक्रीज नहीं करता है। ए स्पीड, बी एरिया, सी इंटेंसिटी, डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है इंटेंसिटी। विथ रेफरेंस टू आइडेंटिफिकेशन इंटेंसिटी डज नॉट इंक्रीज इन विथ ग्रोथ इन एज। क्वेश्चन नंबर 257। मैकाइवर एंड फेज रिकॉर्ड एग्जाम्पल्स ऑफ 17th सेंचुरी ट्रेडिंग कंपनी आउटपोस्ट, कंपनी आउटपोस्ट बिकमिंग डैश। क्या है मैकाइवर एंड फेज रिकॉर्ड एग्जाम्पल्स ऑफ 17th सेंचुरी ट्रेडिंग कंपनी आउटपोस्ट, 17th सेंचुरी का जो ट्रेडिंग कंपनी आउटपोस्ट क्या हो गए हैं। ए एसोसिएशंस, बी सोसाइटीज, सी सोशल ग्रुप्स, डी कम्युनिटीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कम्युनिटीज। 17th सेंचुरी का जो ट्रेडिंग कंपनी का आउटपोस्ट था वो धीरे धीरे कम्युनिटी में बदल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 258। एन एसोसिएशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड फॉर सम डेफिनाइट, एन एसोसिएशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड फॉर सम डेफिनाइट। ऑप्शन है ए पीरियड, बी पर्पोज, सी एरिया, डी मेंबर्स। इसका करेक्ट आंसर है बी पर्पोज। एन एसोसिएशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड फॉर सम डिफिनाइट पर्पोज, पर्पोज के लिए ही ये इसके फॉर्मेशन हुए हैं एसोसिएशन के। क्वेश्चन नंबर 259। एसोसिएशन इज एन आर्टिफिशियल, एसोसिएशन इज एन आर्टिफिशियल, ए ग्रोथ, बी क्रिएशन, सी इन्वेंशन, डी डिस्कवरी। क्या है आर्टिफिशियली, क्या है ग्रोथ है, क्रिएशन है, इन्वेंशन है, डिस्कवरी है। इसका करेक्ट आंसर जो है क्रिएशन है, ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, एसोसिएशंस आर आर्टिफिशियली क्रिएटेड। क्वेश्चन नंबर 260। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएशंस, इसमें कौन से सब एसोसिएशन है। ए द फैमिली, बी द चर्च, सी ए ट्रेड यूनियन, डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 261। द स्टेट इज परमानेंट, द स्टेट इज ए परमानेंट, ए सोसाइटी, बी सोशल ग्रुप, सी कम्युनिटी, डी एसोसिएशन। इसका करेक्ट आंसर है एसोसिएशन, द स्टेट इज ए परमानेंट एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 262। व्हिच इज एन एसोसिएशन, ऑप्शन है ए ट्रेड यूनियन, बी स्टेट, सी क्रिकेट क्लब, डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये सारे एसोसिएशन एसोसिएशन से है। क्वेश्चन नंबर 263। मार्क आउट व्हिच इज एन एसोसिएशन, ए प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट, बी स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री इन देयर क्लासरूम, सी बिलीवर्स इन द लॉ ऑफ कर्मा, डी द कास्ट सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री इन देयर क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 264। मार्क आउट व्हिच इज नॉट एन एसोसिएशन, ए ओल्ड मैन स्ट्रॉलिंग इन ए पार्क, बी ट्रेड यूनियन, सी बोट क्लब, डी टेनिस क्लब। इसका करेक्ट आंसर जो है ए, ये एसोसिएशन नहीं है। ओल्ड मैन जो है वो टहल रहे हैं पार्क में। क्वेश्चन नंबर 265। डैश एग्जिस्ट विद इन डैश, डैश एग्जिस्ट विद इन डैश, ए एसोसिएशन कम्युनिटी, बी कम्युनिटी सोसाइटी, सी क्वासी ग्रुप ग्रुप, डी रोल स्टेटस। इसका करेक्ट आंसर है एसोसिएशन कम्युनिटी, एसोसिएशन एग्जिस्ट विद इन कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 266। डैश इज एन इंस्टेंस ऑफ एसोसिएशन, इसे हम इनमें से किसे हम एसोसिएशन कह सकते हैं। ए चर्च, बी पियर ग्रुप, सी विलेज,
प्लेमेट ग्रुप। इसका करेक्ट आंसर है चर्च। चर्च इज एन इंस्टेंस ऑफ एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 267, व्हिच इज नॉट एन एसोसिएशन। ए ट्रेड यूनियन, बी चर्च, सी फूड रिलीफ एसोसिएशन, डी पीयर ग्रुप। इसका करेक्ट आंसर है डी पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप इज नॉट एन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 268, देयर इज ए सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप्स एंड देयर इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। ऑप्शन है कम्युनिटी एसोसिएशन, बी सोसाइटी एसोसिएशन, सी एसोसिएशन कम्युनिटी, डी एसोसिएशन सोसाइटी। देयर इज ए सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप्स एंड देयर इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। इसका करेक्ट आंसर है बी सोसाइटी इज ए सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप एंड एसोसिएशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। मैकाइवर ने सोसाइटी को डिफाइन किया है सोसाइटी इज एन वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। क्वेश्चन नंबर 269, डेस एंड डेस आर नेचुरल व्हेयर एज डेस इज आर्टिफिशियल। इसमें दोनों कौन से दोनों नेचुरल है और कौन सा आर्टिफिशियल है। ए एसोसिएशन कम्युनिटी सोसाइटी, बी एसोसिएशन सोसाइटी कम्युनिटी, सी सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन, डी नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है सी सोसाइटी एंड कम्युनिटी आर नेचुरल व्हेयर एज एसोसिएशन इज आर्टिफिशियल। क्वेश्चन नंबर 270, द अफेयर्स ऑफ ए एन और द जेस आर मैनेज्ड बाय ऑफिस बियरर। इनमें से किसका अफेयर्स जो है ऑफिस बियरर के द्वारा मैनेज होता है। ए सोसाइटी, बी कम्युनिटी, सी सोशल ग्रुप, डी एसोसिएशन। इसका करेक्ट आंसर जो है एसोसिएशन है। द अफेयर्स ऑफ एन एसोसिएशन आर मैनेज्ड बाय ऑफिस बियरर। ऑफिस बियरर होते हैं एसोसिएशन का जो एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 271, देयर इज ओल्डर देन एसोसिएशन। देयर इज ओल्डर देन एसोसिएशन। ऑप्शन है ए कम्युनिटी, बी सोसाइटी, सी स्टेट, डी फैमिली। इसका करेक्ट आंसर है सोसाइटी, बी सोसाइटी इज ओल्डर देन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 272, इन मॉडर्न सोसाइटी द फैमिली रिजेंबल्स ए एन डेज फॉर्म्ड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज फॉर सर्टेन एंड्स। इन मॉडर्न सोसाइटी द फैमिली रिजेंबल्स ए और एन जेस फॉर्म्ड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज फॉर सर्टेन गोल्स और एंड्स। इसका करेक्ट आंसर है एसोसिएशन। इन मॉडर्न सोसाइटी द फैमिली रिजेंबल्स एन एसोसिएशन फॉर्म्ड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज फॉर सर्टेन एंड्स। क्वेश्चन नंबर 273, टू ए चाइल्ड द फैमिली इज क्वाइट the days in which he wholly lives. To a child, the family is quite the days in which he wholly lives. Iska options hai A world, B society, C community, D association. Iska correct answer hai community. To a child, the family is quite the community in which he holy lives. Question number 274, which characterizes urban community. ये सारे फीचर्स जो है कौन से फीचर्स अर्बन कम्युनिटी के है। ए नेमलेसनेस, बी क्लास एक्सट्रीम्स, सी सोशल हेटेरोजेनिटी। नेमलेसनेस, क्लास एक्सचेंज, सोशल हेटेरोजेनिटी, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अर्बन कम्युनिटी का
कौन कौन इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये सारे अर्बन कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। नेमलेसनेस भी, क्लास एक्सट्रीम्स भी, और सोशल हेटेरोजेनिटी भी। क्वेश्चन नंबर 275, एसोसिएशन है, एसोसिएशन एग्जिस्ट विद इन द कम्युनिटी, एसोसिएशन एग्जिस्ट विद इन द कम्युनिटी। रीजन है ओनली ए कम्युनिटी कैन फॉर्म एन एसोसिएशन, ओनली ए कम्युनिटी कैन फॉर्म एन एसोसिएशन। कोर्स है बुथ बुथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी है बुथ ए एंड आर ट्रू एंड बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बुथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 276, आसन है कम्युनिटी इज ए स्पीसीज ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी इज ए स्पीसीज ऑफ सोसाइटी। रीजन इट इज कॉल्ड होमो सेपियंस। कोर्स ए बुथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी बुथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसका करेक्ट आंसर है ए, बुथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 277, आसन सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट बट कम्युनिटी इज कंक्रीट, सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट बट कम्युनिटी इज कंक्रीट। रीजन सोसाइटी कैन नॉट बी टॉस्ड बट कम्युनिटी कैन बी लोकेटेड। कोर्स से बुथ A and R are true and R is correct explanation of A, B both A and R are true but R is not the correct explanation of A, C A is true but R is false, D A is false but R is true. इसका correct answer है A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Society is abstract but community is concrete. Reason क्या है, society कैन नॉट बी टॉस्ड बट कम्युनिटी कैन बी लोकेटेड, कम्युनिटी कैन बी लोकेटेड। क्वेश्चन नंबर 278, हु हैज डिफाइंड इंस्टीट्यूशन एज ए डेफिनाइट रिकॉग्निशन ऑफ ए फेनोमेनन, हु हैज डिफाइंड इंस्टीट्यूशन एज ए डेफिनाइट रिकॉग्निशन ऑफ ए फेनोमेनन, ए गिडिंग्स, बी स्पेंसर, सी पार्सन्स, डी मकाइफर। इसका करेक्ट आंसर है मकाइफर, मकाइफर हैज डिफाइंड इंस्टीट्यूशन एज ए डेफिनाइट रिकॉग्निशन ऑफ ए फेनोमेनन। क्वेश्चन नंबर 279, हु हैज डिफाइंड इंस्टीट्यूशंस एज द एस्टेब्लिश्ड फॉर्म्स और कंडीशंस ऑफ प्रोसीजर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोसीजर, characteristic of group activity. Who has defined institutions as the established forms or conditions of procedure characteristic of group activity? A. Mead, B. Freud, D. Maccabeo, C. Maccabeo, D. Morton. Iska correct answer hai Maccabeo. Maccabeo has defined institutions as the established forms or conditions of procedure characteristic of group activity. Question number 280. Who holds institutions to be definite and sanctioned forms or modes of relationship between social beings? Who holds institutions to be definite and sanctioned forms or modes of relationship between social beings? A. Page, B. Ginsburg, C. Giddings, D. Maxwell. Iska correct answer hai B. Ginsburg. Option B is the right answer. Ginsburg holds institution to be the definite and sanctioned forms or modes of relationship between social beings.
Question number 281. Recognized usages and procedures are known as. Recognized usages and procedures are known as. A. Institutions. B. Tradition. C. Customs. D. None of these. इसका करेक्ट आंसर है institutions. Recognized usages and procedures are known as institutions. Question number 282. Which is an institution? A. Family. B. Economy. C. Religion. D. All of these. इसका करेक्ट आंसर है all of these. ये सारे को हम इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं. फैमिली को भी, इकोनॉमी को भी और रिलीजन को भी हम इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं. ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं. क्वेश्चन नंबर 283. इंस्टीट्यूशंस आर ए नॉट एसोसिएशंस, बी एब्स्ट्रैक्ट, सी सब्जेक्ट टू चेंजिंग नॉर्म्स, डी ऑल ऑफ दीज. इंस्टीट्यूशंस आर A. Not associations. B. Abstract. C. Subject to changing norms. D. All of the above. इसका correct answer है all of the above. Institutions are not associations. B. Institutions are abstract. C. Subject to changing norms. Question number 284. The primary institutions function in a this manner. The primary institutions function in a this manner. A. Latent. B. Normal. C. Manifest. D. Forceful. इसका correct answer है C. Manifest. The primary institutions function in a manifest manner. Question number 285. A change in one of the primary institutions does have an impact on the others. A change in one of the primary institutions does have an impact on the other. A. May. B. Will not. C. Will never. D. Will. Iska correct answer hai will. A change in one of the primary institutions will have an institution an impact on the others. जैसे फैमिली में कुछ चेंज हुआ तो फैमिली का जो सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस है, जैसे हुआ मैरिज हुआ डिवोर्स हुआ, उसके ऊपर तो इम्पैक्ट आया ही आया. और फैमिली सिस्टम में कुछ चेंजेस हुआ तो दूसरे प्राइमरी इंस्टीट्यूशन जैसे इकोनॉमी में भी चेंजेस आएगा. तो ए चेंज इन वन ऑफ द प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द अदर्स. Question number 286. Modernization may be regarded as having raised the relative importance of the these institutions. Modernization may be regarded as having raised the relative importance of institutions. A. Primary. B. Secondary. C. Both A and B. D. Neither A nor B. इसका करेक्ट आंसर है सेकेंडरी. मॉडर्नाइजेशन में बी रिगार्डेड एज हैविंग रेज्ड द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस. क्वेश्चन नंबर 287. व्हिच इज एन इंस्टीट्यूशन. ए. स्टेट. बी. एजुकेशन. सी. रिलीजन. डी. ऑल ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस. ये सारे इंस्टीट्यूशंस है. ए. स्टेट. बी. एजुकेशन. सी. रिलीजन. ये सारे इंस्टीट्यूशंस है. क्वेश्चन नंबर 288. इंस्टीट्यूशंस डिटरमाइन द मैनर ऑफ ऑपरेशन ऑफ. इंस्टीट्यूशंस डिटरमाइन द मैनर ऑफ ऑपरेशन ऑफ. ए. सोसाइटी. बी. एसोसिएशन. सी. ऑर्गेनाइजेशन. D. All of these. इसका correct answer है all of these. Institutions determine the manner of operation of society, association and organization. Question number 289. Which among the following
is an institution? Which among the following is an institution? A. Family. B. State. C. Party system. D. All of these. इसका करेक्ट आंसर है all of these. ये सारे institutions है, family भी, state भी, party system भी. Question number 290. Which is an association? Which is an association? A. Marriage procession. B. School. C. Marriage. D. Welfare society. इनमें से किसे हम association कह सकते हैं? Which is an association? इसका correct answer है welfare society. एक purpose लेके ये जो welfare society formed हुआ है welfare करने के purpose में, तो ये एक purpose है और artificially created है ना. Question number 291. Which is an organization? Which is an organization? A. Diplomacy. B. International law. C. UNO. D. Diplomatic immunity. Diplomatic immunity या diplomatic community ऐसा हो सकता है. तो इसका correct answer जो है UNO. United Nations Organization. Question number 292. Which is not a secondary institution of family? इनमें से कौन सा institution family का secondary institutions नहीं है? A. Marriage. B. Divorce. C. Education. D. Hypergamy. Family से एकदम related मैरिज होगा, मैरिज, डिवोर्स और हाइपरगामी, ये सारे फैमिली का सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस है. लेकिन एजुकेशन फैमिली का सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन नहीं है. तो इसका करेक्ट आंसर है सी, एजुकेशन. एजुकेशन इज नॉट ए सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली. क्वेश्चन नंबर 293. Which among the following is an institution? Which among the following is an institution? A. Education. B. Family. C. College. D. All of these. कौन सा एक institution है? इसका correct answer है all of these. ये सारे को हम institution कह सकते हैं. Education को भी, family को भी, college को भी. Question number 294. Which is not an institution? Which is not an institution? A. Marriage. B. Inheritance. C. Theater. D. Property. किसे हम institution नहीं कह सकते? Marriage institution है. Inheritance वो भी institution है. Property भी institution है. लेकिन theater जो है वो इंस्टीट्यूशन नहीं है. थिएटर इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन. क्वेश्चन नंबर 295. व्हिच इज एन एसोसिएशन? व्हिच इज एन एसोसिएशन? ए. बैप्टिज्म सेरेमनी. बी. नेमिंग सेरेमनी ऑफ ए चाइल्ड. सी. पीपल असेंबल्ड फॉर ए रिलीजियस परफॉर्मेंस. डी. द परफॉर्मेंस ऑफ ए रिलीजियस सेरेमनी. इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी, पीपल असेंबल्ड फॉर ए रिलीजियस परफॉर्मेंस. क्वेश्चन नंबर 296. व्हिच इज एन ऑर्गेनाइजेशन? व्हिच इज एन ऑर्गेनाइजेशन? ए. यूएनओ. बी. गवर्नमेंट. सी. पॉलिटिकल क्लब. डी. ऑल ऑफ दीज. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑल ऑफ दीज. ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, यूएनओ भी, गवर्नमेंट भी और पॉलिटिकल क्लब भी. क्वेश्चन नंबर 297. व्हिच इज ए सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन ऑफ इकोनॉमी? इकोनॉमी का इनमें से कौन सा सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस है इकोनॉमी का? ए. बैंकिंग.
बी प्रॉपर्टी, सी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एजुकेशन, डी ऑल ऑफ ऑल द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑल द एबव। ये सारे इकोनॉमी, इकोनॉमी जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है, तो वन ऑफ द प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस, तो उसका ये सारे सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस है, बैंकिंग भी, प्रॉपर्टी भी, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एजुकेशन भी। क्वेश्चन नंबर 298, कैपिटलिज्म एम्स टू ए प्रमोट चैरिटी, बी फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल, सी फर्दर द इंटरेस्ट्स ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास, डी नॉन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर जो है सी फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास, जो प्रॉफिट मोटिव है, परस्यूट ऑफ प्रॉफिट, यही मेन एम है कैपिटलिज्म का। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है कैपिटलिज्म। क्वेश्चन नंबर 299, द बेसिस ऑफ कैपिटलिज्म अकॉर्डिंग टू मार्क्स, द बेसिस ऑफ कैपिटलिज्म अकॉर्डिंग टू मार्क्स क्या है? ए मास प्रोडक्शन, बी मनी एंड क्रेडिट, सी परस्यूट ऑफ प्रॉफिट्स, डी प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है परस्यूट ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट मोटिव जो है कैपिटलिज्म का मेन बेसिस है, बेसिस ऑफ कैपिटलिज्म है प्रॉफिट मोटिव या परस्यूट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना। क्वेश्चन नंबर 300, ये पार्ट सिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। हुई आर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, इनमें से कौन सारे कौन होंगे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस? ए बैंक, बी प्रॉपर्टी, सी क्रेडिट, डी ऑल ऑफ दिस। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस किसे हम कहेंगे इनमें से? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑल ऑफ दिस, ये सारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है। बैंक भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है, प्रॉपर्टी भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, और क्रेडिट भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। ओके फ्रेंड्स, ये पार्ट का इतना ही था, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। यदि हमारा कोशिश आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।